फ्रेंड, हम लोग देखेंगे आज शैडो इफेक्ट साथ ही साथ लेंस इफेक्ट। ठीक है, शैडो और लेंस के लिए हम लोग फोटोशॉप में चलते हैं। पहले फाइल न्यू, इससे हम लोग पेज लेंगे, पेज का नाम देते हैं, साथ ही साथ पेज का एक साइज क्रिएट करना है तो एक साइज ले लेते हैं, क्वालिटी के लिए हम लोग इसका क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम लोग रिजोल्यूशन बढ़ाते हैं, 300 रखते हैं, देन ओके। फाइल ओपन, अब हमको क्या जरूरत पड़ेगा, तो बैकग्राउंड के लिए इमेज, एक बैकग्राउंड के लिए रखते हैं और उस बैकग्राउंड के सामने जो इमेज रहेगा, जो शेडो छोड़ेगा, उसके लिए एक इमेज रखते हैं, देन ओपन। एक चीज और, हम दोनों इमेज सेलेक्ट किए हैं कंट्रोल के साथ, ताकि एक साथ दोनों इमेज हमारा ओपन हो जाए। ठीक है, वन बाय वन करने से अच्छा है कि एक साथ दोनों ओपन कर लें, तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल यूज किए। पहले बैकग्राउंड तो कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, ऑल सेलेक्ट एंड कॉपी, इस चीज को हम अपने पेज में पेस्ट कर देंगे। ये हम पेस्ट कर दिए, इमेज का जब साइज जो भी सेट करना है अपना साइज सेट कर दे रहे हैं। अब इसके पीछे हमको क्या चाहिए, इसके सामने में एक इमेज जो शैडो देगा, तो ये इमेज रहेगा, उसके लिए कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, ऑल सेलेक्ट एंड कॉपी, इसको भी अपने पेज में पेस्ट किए, इसका भी साइज चेंज किए, इसको अरेंज कर रहे हैं। इस इफेक्ट को सही से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले से इसका बैकग्राउंड रहेंगे, जो सामने में इमेज रखा उसका बैकग्राउंड, उसके लिए हम लोग ले रहे हैं मैजिक वन टूल, व्हाइट कलर पे क्लिक किए, देन डिलीट मार दिए, कंट्रोल डी सिलेक्शन रिमूव, कंट्रोल प्लस दबाने से जूम इन होता है, स्पेस बार, हैंड टूल जिससे हम लोग पेज को इधर उधर मूव करा सकते हैं। इमेज सेलेक्ट किए, शैडो चाहिए तो उसके लिए जाएंगे लेयर, लेयर स्टाइल, ड्रॉप शैडो, साथ ही साथ ये ऑप्शन हमारा यहाँ से भी लेयर से भी है, एफएक्स ड्रॉप शैडो, लेयर से जाएं या एफएक्स से जाएं, दोनों हमारा शैडो ऑप्शन के लिए होता है, दोनों हमारा लेयर स्टाइल ही है, ड्रॉप शैडो लिए, शैडो लेते हैं, इसके पीछे शैडो दिख रहा है, अगर शैडो का कलर चेंज करना है शैडो का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अलग अलग कलर मिल जाएगा हमको शैडो का, जिस कलर का हमको शैडो चाहिए उस कलर का शैडो यहाँ से मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ ऑपसिटी भी कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर शेडो लग रहा है कि ज्यादा लाइट दे रहा है तो उसको ऑपसिटी भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये सब नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ओके। लेकिन ये शेडो को अरेंज कैसे करेंगे, अरेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जिस लेयर का शेडो निकला है, तो यानी कि लेयर टू, तो लेयर टू में जो ड्रॉप शेडो शो कर रहा है उस पर राइट क्लिक करेंगे, ड्रॉप शेडो पे राइट क्लिक, उसमें क्रिएट लेयर, ओके करते हैं, शेडो अपना एक लेयर में आ जाएगा। उसके बाद इस शेडो को जिस तरह से हमको अरेंज करना है, बस डबल एरो पकड़े अरेंज कर दिए, ऐसा लगेगा कि शेडो बैक साइड से कुछ लाइट इफेक्ट है जिसके कारण शेडो सामने आ रहा है, ये शेडो हो गया। शेडो को ऑपसिटी कम ज्यादा करना है तो यहाँ से फील भी दिखा रहा है, ऑपसिटी भी दिखा रहा है, यहाँ से ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ये हमारा शेडो का इफेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ हमको पीछे में लेंस इफेक्ट डालेंगे, जैसे लगेगा कुछ लाइट आया लेंस से जिसके कारण इसका शेडो बन रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बैकग्राउंड का लेयर सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा बैकग्राउंड का लेयर है, इसको ऑन ऑफ करके हम लोग चेक कर सकते हैं यही है कि नहीं है, सेलेक्ट किए बैकग्राउंड का लेयर। लेंस के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, फिल्टर, रेंडर, लेंस, लेंस में भी अपना अलग अलग स्टाइल है, अब इसमें से जो भी लेंस इफेक्ट अच्छा लगेगा उसको लेंगे हम लोग और ओके कर लेंगे, लेयर ओके कर दिए, ये हमारा लेंस इफेक्ट हो गया। अब ये लेंस इफेक्ट के कारण लगेगा कि ये शैडो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, थैंक यू।